दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच हैज हैपेंड। मणिपुर पुलिस ने पहले ही ट्वीट किया हुआ है, सो इट हैज बीन एस्केलेटेड एंड वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। The Honorable Chief Minister is also taking it very seriously and he has been talking to several people on different fronts and we are trying to take it as seriously and whoever has done it, we will not be sparing them. यहाँ पे जब से लड़ाई कुकी और मेटे के बीच में जब लड़ाई चल रहा है, जब से तब से हम यहाँ पे एक वॉलंटियर होने के नाते यहाँ पे इनको डिफेंड कर रहा हूँ। अच्छा, कब ये वाला जो हादसा जो है ना, जो बम्बार्डमेंट जो किया हुआ था ड्रोन के, ड्रोन लेके? हाँ जी, हाँ जी, ये जो घटना हुआ कल रात को 10:30 बजे करीब, हम लोग सोया नहीं था उस समय, तीन बम फटा और एक दो बम जो है, दो कम से कम मेरे ख्याल से तीन बम जो है यहाँ पे बिना फटे यहाँ पे पड़ा है, और एक बम तो जो नहीं फटा है और हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और अभी दो तीन बम और ढूंढना बाकी है अभी। अच्छा, कितना ये उसमें से कितना बम फटा था? उस समय तीन बम फटा था। अच्छा, वो कहाँ कहाँ फटा? ये हमारा यहाँ पे, हम जहाँ पे रहते हैं, हम मतलब इनका प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे ड्यूटी लगा के हम बैठे हुए हैं, और यहाँ इसका बिल्कुल नजदीक में फटा था, और दो तीन बम और आगे फटा है, और एक दो बम जो है और भी अभी ढूंढना बाकी है। पूरे गांव को हमारा जिम्मेवारी है प्रोटेक्ट करें। हाँ, हो सकता है कोई ऐसा कारण है, उसको चलिए कुछ करें। Now, as yesterday, since day before yesterday, there has been aerial drone attack so far in this area, in the Kokrug and this area. How would you look into that aspect? This is a new thing which has happened, and we have already, Manipur police ne pehle hi tweet kiya hua hai, so it has been escalated, and we are taking it very seriously. We have spoken to everybody from here to Delhi, or. वहाँ दिल्ली में भी एनएसजी से भी हम लोग उन्हें बात किया है, डीजी एनएसजी से बात किया है, उनकी टीम से बात किया है, प्लस और भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। हम लोगों ने कमिटी भी एक बनाई है कि ये ड्रोन के बारे में पूरा ये पढ़ने के लिए, एंड समथिंग टू डू काउंटर करने के लिए उसको, कैसे हम लोग आगे ये करें। आसाम राइफल एक कमिटी तो बना दी गई, बट उसके बाद भी कुछ एक्सपर्ट्स को भी हम लोग बुला रहे हैं, और जल्दी से जल्दी हम लोग कुछ इसका उपाय ढूंढेंगे। वहां पर हमारे पास कुछ है काउंटर के लिए, दैट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू डिप्लॉय, और प्लस जो हिल के एरियाज हैं, जो जहां जहां पर अटैक हुए हैं 3-4 जगह पे, उन सभी पे हम लोग के ऑपरेशन चल रहे हैं। कल भी हुए थे, आज भी हुए हैं, आज रिकवरीज भी हुई हैं, कल भी कुछ रिकवरीज हुई थी, तो कॉम्बिंग ऑपरेशन चलता रहेगा। तो वो बिल्कुल ही श्योर रहे कि सो एवरीवेयर कॉम्बिंग ऑपरेशन विल कैरी ऑन। डू यू रियली कंडेम दिस सच टाइप ऑफ न्यू थिंग्स? ऑब्वियसली, वन हु विल नॉट कंडेम सच टाइप। So what will be the first priority to counter this drone attack, sir? That is what I said, na? We are already studying it. We have talked to experts. We have जो experts हैं इन चीजों में, उनसे कल मैंने खुद भी बात किया है, और CM साहब ने भी कई जगह पर हाई लेवल पे बात की है। The center is also providing all support to us, और इस चीज में they are also worried, and we are trying to गेज की किस तरह से इसको टैकल किया जा सके, एंड वी ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। एज ऑफ नाउ ऑल्सो इवन द पब्लिक हैज बीन रेजिंग द वॉइसेस अगेंस्ट द सेंट्रल फोर्सेस ऑफ स्टैंडिंग एज अ साइलेंट स्पेक्टेटर, सो हाउ वुड यू कमेंट ऑन दैट?
See, for me, every force is the same. And as I said, ki right now the requirement of force is so much that only the state force will not be able to do, because state force is employed in other normal law and order duties, traffic duties, this, that. So obviously we need central forces, and that is why about 198 companies of central forces are here, apart from the Assam Rifle and Hemp. So everybody will combine together and work and try to, yes, there may be some complaints of some inaction or some passiveness, that we will look into it. इन्होंने भी बताया है, हम लोग जरूर देगा. अभी आपके सामने वो जो कमांडर थे उनको बताया गया है, एंड वी विल टेक इट अप विद द सीनियर ऑफिसर. वो ऐसा होगा नहीं, अगर कोई एक्टिव नहीं रहेगा और इस तरह की खबर मिलेगी तो विल डेफिनेटली टेक एक्शन, चाहे वो स्टेट पुलिस का हो या सेंट्रल फोर्स का हो. अगर वो अपना काम नहीं कर रहा ठीक से, तो ऑब्वियस है कि भाई इट इज अ डिसिप्लिन फोर्स, प्रोफेशनल फोर्स है, तो उसमें तो हम लोग को ये सब करना ही पड़ता है. पब्लिक को क्या मैसेज? ऑब्वियसली वी आर गोइंग ऑल आउट अगेंस्ट देम एंड वी आर डूइंग आर ऑपरेशन. आई हैव स्पोकन टू द कोर कमांडर ऑल्सो, आई हैव स्पोकन टू आसाम राइफल्स all IGs also, and they are also very serious. In fact DG Assam Rifle has come today and he is also trying his level best. So everybody combined as a team is working together along with the state government. The honorable chief minister is also taking it very seriously, and he has been talking to several people on different fronts, and we are trying to take it as seriously, and whoever has done it, we will not be sparing them. Oh.